सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर आना है, और आने के बाद आप लोगों ने एक फ़ोटो को ओपन करना है जो भी आपके पास हो, ओके। और उसके बाद पेंसिल के ऊपर क्लिक कर देना, और फर्स्ट पे आपको टून इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का भी ऑप्शन मिलेगा सेकेंड नंबर पर, तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देना 23, और यहाँ से सेचुरेशन को इंक्रीज़ कर देना थोड़ा सा, और यहाँ से हाइलाइट्स को इंक्रीज़ कर देना, और यहाँ पर शेडो का ऑप्शन मिलेगा तो इसको आप लोगों ने माइनस कर देना है कुछ इस तरीके से, ओके। और यहाँ से डन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर से अगेन पेंसिल पे जाना है, और थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वेंटेज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ने 12th नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसके सेचुरेशन को पूरा माइनस कर देना है, और इसको एकदम जीरो करना है, थोड़ा सा आप लोग इसको भी माइनस कर सकते हो, ओके। तो मैं थोड़ा और कर देता हूँ, तो मैं 10 रख लूँगा, आप लोग भी रख लेना। उसके बाद मैं यहाँ से राइट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद अभी अपने जो मॉडल का इफेक्ट है, मतलब इसका जो इफेक्ट है अपने मॉडल के फेस पर भी आ चुका है, तो मुझे नहीं रखना है, तो मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और पेंसिल के ऊपर आऊँगा, और आने के बाद अपने पिक को इन्वर्ट कर दूँगा, ओके। और आइस प्रोटेक्शन को मैं ऑफ़ कर दूँगा। उसके बाद इसका अमाउंट जीरो रख के कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इरेज कर लेना है। बट गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो इफेक्ट है अपने मॉडल के फेस के ऊपर ही से करना, बैकग्राउंड पर से इरेज मत करना। अगर आप लोग गलती से बैकग्राउंड इरेज कर देते हो तो इसके अमाउंट को फुल रख के जस्ट रिकवर कर लेना, ओके। और गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ा वीडियो को फास्ट कर दिया है, क्योंकि ये चीज़ देखना किसी को भी पसंद नहीं आता, एंड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सी लगती है ये, और आप लोग स्किप मार के देखोगे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है और तसल्ली से आप लोगों ने कर देना है, ओके गाइज। तो जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसका इफेक्ट अपने मॉडल के फेस के ऊपर से हटा लिया, सेम आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। उसके बाद मैं यहाँ से राइट पर क्लिक करूँगा, और इस एरो के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाऊँगा। उसके बाद आप लोगों ने पेंसिल के ऊपर आके यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो डबल एक्सपोजर के ऑप्शन के अंदर आ जाना, पेंसिल के अंदर आना है, और यहाँ पे मैं आपको एक PNG दूंगा, मतलब बैकग्राउंड दूंगा, तो उसको ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ऑटोमेटिकली सेट कर देना है, और थर्ड लेयर के ऊपर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को फुल कर देना, ओके। और सेम वर्क करना है आप लोगों ने जो मैंने बताया था। व्यू एडिट्स पे आने के बाद आप लोगों ने पेंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है, और आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो अमाउंट है 100 रखना है, और कुछ इस तरीके से आप लोगों ने जस्ट अपने बैकग्राउंड पर पेंट करना है। सो डन गाइज, अपना वर्क कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैंने अपने बैकग्राउंड को पेंट कर लिया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ओके। आप लोग भी कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने फिर से टून इमेज पे जाना है, और उसके बाद हम लोग अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रास्ट कैसे इंक्रीज़ कर देना है, और यहाँ से सेचुरेशन को इंक्रीज़ करेंगे, और एम्बियंस को भी हल्का से इंक्रीज़ कर देंगे, और यहाँ से हाईलाइट को माइनस करना है इस बार, ओके। और शेडो को भी माइनस कर लेना है, और यहाँ से वार्म टोन का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप लोगों ने 6 कर देना, ओके। और यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना, एंड इतना वर्क करने के बाद आप लोगों ने पोर्ट्रेट पे जाना है, और पोर्ट्रेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 चीज़ें मिल जाएगी, फेस स्पॉलेट, आइज क्लियरिटी एंड स्किन स्मूदिंग। तो तीनों चीज़ों का आप लोगों ने इंक्रीज़ कर देना है, तो मैं पहले फेस स्पॉलेट को इंक्रीज़ करूँगा यहाँ से, और स्किन स्मूदिंग को इंक्रीज़ करूँगा, और आइज क्लियरिटी को भी इंक्रीज़ कर दूँगा, ओके। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपने पिक में शार्पनिंग को मेनटेन करेंगे, तो यहाँ से डिटेल वाले ऑप्शन के अंदर आना है, और थोड़ा सा आप लोगों ने स्ट्रक्चर को देना है हल्का सा 2 या 3%, उसका शार्पनिंग को इंक्रीज़ कर देना कुछ इस तरीके से 41%। सो गाइस, अभी जो अपनी फोटो यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग इसका बिफोर एंड आफ्टर देख सकती हो। अभी जो अपनी फोटो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और इस टाइप की जो एडिटिंग होती है वो आप लोग 3 से 4 स्टेप में कंप्लीट कर लोगे। तो गाइस, अपना सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो इस फोटो को हम लोग गैलरी के अंदर सेव करेंगे, तो इस लेयर के ऊपर क्लिक करके सेव कर लेना है, ओके। और गाइस, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को इजीली मिल जाए। और गाइस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं सेल्फी के ऊपर पार्ट 2 लेकर आऊँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं उसकी वीडियो लेकर आऊँ तो वो आप लोग मिस ना कर पाओ, ओके गाइस। वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस, मैं सोच रहा था कि अपने गेमिंग चैनल के ऊपर कुछ कंटेंट लेकर आऊँ, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, ओके गाइस।